हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिग्री। डिग्री के अंदर जो डेफिनेशन आती है डिग्री की, सेक्शन 2+2 के अंदर, ये भी हम पढ़ने वाले हैं साथ साथ। और साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर नंबर 20 के अंदर जितनी भी डिग्री के रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो सारी बातें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में भी है, प्री में भी है, इंटरव्यू में भी, हर जगह ही है, आपको ही पता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। भैया फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब फॉर्मल एक्सप्रेशन से आपको मैं एक मीनिंग बताता हूँ, फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो अब आपको समझाना है। RJS में ना दो दो लाइनें भी समझा दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स का आता है। अगर क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का, बेरक छापाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मार्क्स में बेरक पूरा छापाओ, एक्सप्लेनेशन सब चीज़ छापाओ। 6 नंबर में आया तो 6 नंबर में उन एलिमेंट्स को ना थोड़ा थोड़ा दो दो लाइनों में एक्सप्लेन कर दो, बहुत है। ठीक है, चलो दो दो लाइनें समझ लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा कंप्लीट। तो देर मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुडिकेशन। विदाउट फॉर्मल एक्सप्रेशन देयर कैन बी नो डिग्री। फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है बताता हूँ, ये सब छोड़ो फालतू है। देखो जो डिग्री है, डिग्री को फॉर्मल डिक्लेरेशन कहना करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन कैसे करना पड़ेगा, फॉर्मली डिक्लेयर कैसे करना पड़ेगा, अपेंडिक्स डी में जब जाओगे ना, अपेंडिक्स डी के अंदर, तो अपेंडिक्स डी के अंदर ना फॉर्मेट बना हुआ है डिग्री लाने का, तो वो डिग्री का जो फॉर्मेट है वो पूरा होना चाहिए। ओके, दूसरी बात, जो कंटेंट्स हैं डिग्री के जो कि ऑर्डर नंबर 20 में बता रखे हैं वो सारी बातें पूरी होनी चाहिए। तो ये कंटेंट्स ऑफ डिग्री, फॉर्मेट ऑफ डिग्री, जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो सारे कंप्लाइड हैं, तो और फॉर्मली एक्सप्रेस कर रखा है, यानी कि आपने जो तरीका अपनाया दिखाने का वो फॉर्मल नेचर का था, एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, तो वो डिग्री है। अदरवाइज अगर कोई एक्सप्रेशन इनफॉर्मल नेचर की है तो वो क्या हो गया, वो एक मेयर स्टेटमेंट्स हो गई, मेयर स्टेटमेंट्स हो गई। और मेयर स्टेटमेंट्स ऑफ अ जज क्या होती है, वो जजमेंट होती है। ठीक है, याद रखने वाली बात को। ओके, चलिए आप शुरू करते हैं। देखो आगे क्या लिखा हुआ, अ जजमेंट इन कॉन्ट्रास्ट टू अ डिग्री और एन ऑर्डर इज नॉट अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ऑल, इंस्टेड इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अ जज एज टू द बेसिस ऑन विच डिग्री इज ड्रॉन अपॉन और एन ऑर्डर इज पास। जजमेंट पहले आएगी उसके बाद डिग्री आएगी। ठीक है, जजमेंट क्या है, एक मेयर स्टेटमेंट्स ऑफ अ जज है, दे आर नॉट अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, बल्कि डिग्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। द टर्म फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन डज नॉट कवर एनी इंटरलोकेटरी ऑर्डर विच इज इनसफिशियंट फॉर द डिसीजन ऑफ द सूट। अब कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर होते हैं वो भी तो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ही होते हैं, लेकिन वो डिग्री नहीं होती क्योंकि उस पर कोई डिसीजन नहीं आई होती, वो तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और बात आती है, ये पॉइंट सुन लो। एन ऑर्डर क्लोथ इन द फॉर्म ऑफ डिग्री विल नॉट मेक इट अ डिग्री इफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फॉर्म आर नॉट कंप्लाइड विद एंड द डिग्री ड्रॉन अकॉर्डिंगली। जब तक जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं डिग्री के वो पूरे नहीं हो जाते, तो भले एक ऑर्डर जो कि फॉर्मली एक्सप्रेस क्यों ना कर रखा हो, जो दिख रहा है कि डिग्री की तरह है, लेकिन वो डिग्री नहीं माना जाएगा, क्योंकि डिग्री के जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं वो पूरे नहीं हो जाते तब तक कोई चीज़ डिग्री नहीं मानी जाती। और एक और बात आती है कि जैसे कि जजमेंट की अगर हम बात करें तो जजमेंट में अपील नहीं होती है, जजमेंट की अपील नहीं होती क्योंकि वो फॉर्मली एक्सप्रेस नहीं होता, डिग्री की अपील होती है। ठीक है, ओके चलिए आगे बात करते हैं। फॉर्मल एक्सप्रेशन हमारा ख़त्म हो गया, अब आता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुडिकेशन। ठीक है, एजुडिकेशन का मतलब देख लो, एजुडिकेशन का मतलब होता है किसी फैक्ट को जुडिशियल डिटर्मिनेशन देना। अगर एक जज जो है अपना जुडिशियल माइंड अपना के अप्रिशिएशन करके एक फैक्ट के ऊपर अपनी फाइंडिंग नहीं सुनाता, उसे जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं कहते। ठीक है, तो जज को जुडिशियली डिटरमाइन करना होना चाहिए किसी मैटर इन डिस्प्यूट को। जब तक वो जुडिशियली डिटरमाइन नहीं करेगा, अपनी फाइंडिंग्स नहीं सुनाएगा, तब तक वो चीज़ एजुडिकेशन नहीं मानी जाएगी। तो एक केस था इसके ऊपर, दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। इसमें क्या हुआ था कि मान लो अगर एक मैटर है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का मैटर है, तो क्या वो डिग्री होगा, नहीं वो डिग्री नहीं माना जाएगा। क्लियर है, क्योंकि वो जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं है। अच्छा अब बात करते हैं, जो एडजुडिकेशन होता है वो किसी सूट में ही होगा, है ना। तो डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन इन अ सूट ही होगा। ठीक है, तो सूट का मतलब देख लेते हैं पहले। देखो, इट इज़ नेसेसरी फॉर अ डिग्री दैट एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन गिवन इन अ सूट। अब सूट तो कोड में डिफाइंड नहीं है, लेकिन एक केस आया था, बहुत लैंडमार्क केस है, हंसराज गुप्ता वर्सेस DME ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड, देहरादून मंसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया, देखो द वर्ड सूट मीन्स ऑर्डिनरी मीन्स और सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। तो उन्होंने बोल दिया कि भैया ऐसी कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स जो कि प्लेंट के
प्रेजेंटेशन पे इंस्टीट्यूट होती है उसे हम कहते हैं सूट। लेकिन यहाँ पर ना ये जो इन्होंने डेफिनेशन दी है इसको, इसका कंसेप्ट जो है नैरो कर दिया गया है भैया, सिर्फ प्लेट के प्रेजेंटेशन से ही सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है। अच्छा एक और बात बताता हूँ आपको मैं, जैसे हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 26 पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो एक सेकेंड एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड। अब देखो सच अदर मैनर मतलब कोई और तरीका भी हो सकता है प्लेट के अलावा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब यहाँ पर ना प्रिस्क्राइब्ड शब्द दे रखा है, प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब बाय रूल्स है ना, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। अब आपको एक बात बताता हूँ, होल्ड करो। जब आप ऑर्डर नंबर 36 में जाते हो ना, ऑर्डर नंबर 36 के अंदर, ऑर्डर नंबर 36 ना एक स्पेशल केस का सूट होता है, स्पेशल सूट कहते हैं इसे हम। स्पेशल सूट में जो एग्रीमेंट शब्द है ना, एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड एंड रजिस्टर्ड एज सूट, ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ए है और एक बी है, ठीक है, इन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि ना हम इसी इन इन एक दो तीन चार इशूज़ के ऊपर ही लड़ेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं लड़ेंगे। तो अब जज का काम क्या होगा, जज का काम होगा सिर्फ इन्हीं एग्रीमेंट के ऊपर अपना जुडिशियल डिटर्मिनेशन करना, अपनी फाइंडिंग सुनाना। तो इस एग्रीमेंट को वो रजिस्टर कर लेता है, फाइल कर लेता है और इसको एज अ सूट माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेंट तो है नहीं, ठीक है, लेकिन इसने प्लेंट का दर्जा ले लिया, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अच्छा ऐसे ही सिमिलरली अदर लॉज में एप्लीकेशन, अदर लॉज में पिटीशन एप्लीकेशन, इनको भी इनके बेसिस पे भी सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। लेकिन तो अब एंड रिजल्ट क्या होगा, कैसे पता लगेगा कि सूट है कि नहीं भैया? अगर एंड रिजल्ट जो है, एंड रिजल्ट किसी सूट का डिग्री आता है, ठीक है, उसके अंदर डिग्री दी जा सकती है तो सूट हो गया, ठीक है। देखो सूट मींस अ सिविल प्रोसीडिंग विच इज इंस्टीट्यूटेड बाय मींस ऑफ माय मींस ऑफ प्लेंट, अ प्रोसीडिंग विच डज नॉट कमेंस विद अ प्लेंट इज नॉट अ सूट, वी नो दैट, ठीक है। हाउएवर अंडर सर्टेन इनएक्टमेंट्स स्पेसिफिक प्रोविजंस हैव बीन मेड टू ट्रीट एन एप्लीकेशन एज अ सूट, कुछ और लॉस भी हैं, ठीक है, जहाँ पर बोला गया है कि एप्लीकेशन जो है सूट मानी जाएगी। अब इसको हमने क्यों इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि स्पेशल प्रोसीजर बन गया इस चीज़ का, जो लॉ एक्सप्रेसली बोल रहा है। इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर एक्सप्रेसली बोल दिया गया कि एप्लीकेशन सूट मानी जाएगी, हिंदू मैरिज एक्ट में बोल दिया गया है पिटीशन सूट मानी जाएगी, ठीक है, लैंड एक्विजिशन एक्ट में है, अलग अलग लॉज में है। तो ये स्पेशल प्रोसीजर हो गया और सीपीसी जो है वो फिर सेव्ड करती है ऐसे लॉज को, ऐसे प्रोसीजर्स को जो कि स्पेशली बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होते हैं। ओके अब सूट तो आपको समझ आ गया, एडजुडिकेशन भी समझ आ गया, फॉर्मल एक्सप्रेशन भी समझ आ गया। ओके अब बात करते हैं क्या क्या वो करती क्या है। देखो यहाँ तक सुन लो, गिरा डिग्री मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, तो फॉर्मल एक्सप्रेशन डन ऑफ एन एडजुडिकेशन भी डन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, ठीक है, पहले राइट्स ऑफ द पार्टी देख लेते हैं फिर उनको कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देंगे। देखो राइट्स ऑफ द पार्टीज की बात करूँ ना मैं आपको, तो राइट्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्सटैंटिव राइट्स होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे क्या प्रोसीजरल राइट्स भी कवर हैं, तो प्रोसीजरल राइट्स कवर नहीं है, ठीक है, लेकिन जनरल राइट्स, दो तरीके की राइट्स यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। राइट्स जो हैं जो दो तरीके की हैं, एक तो सब्सटैंटिव राइट्स हैं, ठीक है, जो कि मेन राइट्स हैं आपकी जो ट्रायल वगैरह में ली होती है, एक हैं जो जनरल राइट्स। जनरल राइट्स ना ये ट्रायल से जुड़ी हुई हैं थोड़ी बहुत, ये ज़रूरी हैं, इनका सॉल्व होना ज़रूरी है, अगर ये सॉल्व नहीं होंगी तो फिर ये वाली चीज़ें मिल नहीं पाएंगी आपको। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं जनरल राइट्स के अंदर, जैसे मान लो पार्टीज का स्टेटस क्या है, ठीक है, जुडिशन है कि नहीं, ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी जनरल राइट्स के अंदर कवर होती हैं, ठीक है, तो इनका सॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये भी इसके अंदर भी डिग्री आती है, इसके ऊपर भी डिग्री आ जाती है। अच्छा राइट्स ऑफ द पार्टी समझ आ गया आपको। आता है मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी, मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब क्या है, मेन जो डिस्प्यूट है। अगर हम रेस जुडिकाटा के सेक्शन में जाते हैं ना, रेस जुडिकाटा यानी कि जो सेक्शन 11 है, सेक्शन 11 में जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि रेस जुडिकाटा में जो मैटर इन डिस्प्यूट है ना, मैटर है, मैटर शब्द बोला गया, दो तरीके का मैटर है, एक तो जिसमें पार्टी एक पार्टी अलेज करती है और एक पार्टी डिनाई करती है, दूसरे वाले केस में एक पार्टी अलेज करती है और दूसरी पार्टी उसको एडमिट कर लेती है, तो दोनों ही मैटर माने जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने देख लिया एडमिशंस की ऊपर डिग्री आ सकती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर जो है मैटर उन्होंने बोल दिया है वो कंट्रोवर्सी के अंदर है। तो मैटर इन कंट्रोवर्सी का मतलब क्या हुआ कि एक पार्टी अलेज कर रही है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, चलो ये तो मैटर हो ही गए,
अब ये होते हैं ड्यूरिंग द ट्रायल वाले मैटर्स। एक और मैटर होते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट रखते हैं, मतलब इनके बिना ना आप अपना केस सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ये ज़रूरी है सुनना। अब जैसे कौन क्या क्या मैटर्स हैं, वो करेक्टर क्या पार्टी का, स्टेटस क्या पार्टी का, क्या कोर्ट के पास जुडिक्शन है कि नहीं, क्या वो सूट मेंटेनेबल है कि नहीं, ये सारे अदर मैटर्स हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी मैटर्स। ठीक है, अब ये प्रिलिमिनरी मैटर्स ज़रूरी हैं क्योंकि ये नेसेसिटेट करते हैं एडजुडिकेशन बिफोर अ सूट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी हो गया हमारा। अब आता है मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी को आज हम कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देते हैं। अब देखो कंक्लूसिवली डिटरमिनेशन का मतलब क्या है कि अब फाइनलिटी आ गई है उसके अंदर, अब इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। द डिक्री मे कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज ऑल दो इट मे नॉट कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। ठीक है, अब ये पार्टीज की राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दी है। अब कैसे डिटरमाइन कर दी कंक्लूसिवली, मान लो मैं एक जज हूँ। ठीक है, अब मेरे को मेरे अपने एविडेंस जो है वो कहते हैं कि मेरे तरफ से मेरे हिसाब से सारा मैटर ख़त्म हो चुका है, अब और कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन मैं तो जज हूँ, मैं तो हम इंसान हूँ। ठीक है, मेरी जो सोच थी मैंने बता दी आपको, लेकिन आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो जाओ अपील कर आओ। ठीक है, तो अब तीन तरीके से सूट जो है कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ होगा। एक तो जब मैंने जो मेरा जो कोर्ट है जो ओरिजिनल कोर्ट है उसी ने डिस्पोज ऑफ कर दिया सूट को, द कोर्ट पास में कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। दूसरी बात देखते हैं क्या है कि अगर मान लो मैंने अपील के लिए बोला कि जाओ अपील कर लो, और अपील के लिए ये टाइम पीरियड था, अगर ये टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो फिर आप नहीं कर सकते अपील। अच्छा, अगर मान लो टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं होता और आपने अपील कर दी, फिर जो अपीलेट कोर्ट जो होगा जो भी होगा उसकी जो डिसीजन आएगी वो फाइनल हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा सिस्टम। चलिए अब वापस देख लेते हैं डिग्री की डेफिनेशन को। तो डिग्री की डेफिनेशन क्या थी, सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल मैटर्स और एनी ऑफ द मैटर्स। देखो अगर ऑल मैटर को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया तो कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ हो गया ना सूट को, लेकिन अगर एनी करा तो यानी कि अभी कुछ बाकी है और कुछ हुआ है। जब कुछ बाकी और कुछ हुआ है तो ऐसी जो डिग्री होंगी जिन पे कुछ हुआ है वो कंप्लीट हो गया और कुछ बाकी है वो रहता है अभी, तो ये होंगी प्रिलिमिनरी डिग्री। और ये कुछ सारा हो गया जब सब कंप्लीट हो गया तो ये हो गया फाइनल डिग्री। ठीक है, तो अब सुनना, द डिग्री में भी इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल। अब ये एक्सप्लेनेशन बताती है कि डिग्री प्रिलिमिनरी तब है जब अभी फर्दर प्रोसीडिंग्स होना बाकी है। ठीक है, अभी सूट कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। फाइनल डिग्री में क्या होता है, जब सूट कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ हो जाता है उसे फाइनल डिग्री कहते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि पार्टली प्रिलिमिनरी हो और पार्टली फाइनल हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन तो आपको कवर हो गई है। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ इंक्लूड होंगी क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होंगी। जो चीज़ इंक्लूड होंगी वो डीम्ड मानी जाएगी। जब कोई चीज़ डीम्ड मानी जाती है ना उससे हम कहते हैं लीगल फिक्शन किसी चीज़ का। ठीक है, लीगल फिक्शन, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होंगी, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। इसके बारे में बताते हैं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है ना ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 के अंदर है। इसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स हैं। अब याद रखना कि जो 6 पॉइंट्स हैं वो अगर 5-6 पॉइंट्स ना वो एक तरह से ऑर्डर ही हैं, लेकिन उसको हमने डिग्री माना गया है। ठीक है, डीम डिग्री माना गया है। अब आपसे पूछ लेंगे कि ये जो 6 पॉइंट्स हैं ना ये 6 तो 6 ही ऑर्डर हैं। बताओ अब ये बताओ ये ऑर्डर डिग्री है कि नहीं, ये ऑर्डर डिग्री है कि नहीं, ये ऑर्डर डिग्री है कि नहीं, ये डिग्री है कि नहीं। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन आ सकता है। आपने देखना अरे ये प्रोविजन तो ऑर्डर 7 रूल 11 में है और वो सारे प्रोविजन तो डीम डिग्री माने जाते हैं, तो उस हिसाब से फिर अपना एमसीक्यू चुन लेना आप। ओके, अच्छा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट तो हो गया हमारा। 144 में क्या आता है, देखो 144 में आता है रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखो मैं आपको ना जिस्ट बता देता हूँ 144 का। अभी जब 144 पूरा पढ़ेंगे ना तब समझ आ जाएगा। ये ए है, ये बी है। ए ने बी एक डिग्री होल्डर है, बी जजमेंट लेटर है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर कि बी ने ए को 50,000 रुपीज़ देने थे, डिग्री में आ गया। ठीक है, बी गया अपेलेट कोर्ट के अंदर। ठीक है, अब ए जाएगा एग्जीक्यूशन के अंदर कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो बी गया अपेलेट कोर्ट के अंदर, अपेलेट कोर्ट को बोला अपना, मैं ऑब्जेक्शन रेज करा। ठीक है, अपेलेट कोर्ट ने आगे जाकर एग्जीक्यूशन पर स्टे लगा दिया। और अपेलेट कोर्ट ने क्या करा, दो ऑप्शन है अपेलेट कोर्ट पे, या तो वो वेरी कर लेगा चेंज कर देगा, या फिर वो हमारा क्या कहते हैं रिवर्स कर देगा डिग्री। ठीक है, अगर वेरी कर दी, मान लो 50,000 की जगह बोला बी ने आप सिर्फ 30,000 रुपये देने हैं, तो अगर
बी ने पहले ही पहले 50 रुपये दे दिए, तो ये बंदा क्या करेगा, ये जाएगा ट्रायल कोर्ट जहाँ से डिग्री आई है और वहाँ फाइल करेगा एप्लीकेशन कि मुझे मेरा पैसा जो है उसमें से 20,000 रुपये वापस मिलना चाहिए, क्योंकि 30 तो मैंने देने थे, 20 मेरे को मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर रिवर्स कर दी गई है तो जितना पैसा मैंने दिया है सारा का सारा मिलना चाहिए। तो ये होता है रीस्टोरेशन, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपना आगे के टॉपिक पे। देखो अभी तक तो आपने पढ़ लिया कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और 144 के ही क्वेश्चन को डीम डिग्री माना गया, लेकिन जब आप एग्जीक्यूशन पढ़ते हो ना, तो एग्जीक्यूशन के अंदर ना मैं आपको बता देता हूँ कि अराउंड अराउंड पाँच चार रूल्स हैं, चार रूल्स ऑर्डर नंबर 21 के अंदर, 1, 2, 3, 4, 98, 99, 100 और 158, ये चार रूल्स हैं जिसमें आपको डीम डिग्री माना गया है, डीम डिग्री। ठीक है, ऑर्डर नंबर 21 के अंदर। ओके अब आगे बढ़ते हैं, हमारा कंक्लूजरी डिटर्मिनेशन हो गया, फॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया, हमारा एडजुडिकेशन हो गया, राइट्स ऑफ पार्टी हो गया, मैटर इन कंट्रोवर्सी हो गया, सूट हो गया, डिटर्मिनेशन क्वेश्चन हो गया, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गया। ओके ओके अब बात रुक जाओ, एक छोटी सी बात बतानी थी मेरे को आपको कुछ। फिफ्टी एट हो गया, 98, 99, 100 ये भी क्लियर हो गया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो भी अपीलेबल ऑर्डर्स हैं, जो भी अपीलेबल ऑर्डर्स हैं वो भी डिक्री नहीं माने जाएंगे। ठीक है, इट डज़ नॉट इंक्लूड। ठीक है अब सुनना, देखो जो ऑर्डर्स होते हैं नॉर्मली वो अपीलेबल नहीं होते हैं, तो भैया हमने बोल दिया कि ठीक है ये ऑर्डर्स तो अपीलेबल नहीं है, लेकिन डिग्री तो अपीलेबल होती है सारी की सारी, तो ये तो डिग्री नहीं है। लेकिन कुछ ऑर्डर जो हैं अपीलेबल होते हैं, अब तो क्या होगा कि जो अपीलेबल होता है वो डिग्री है, कहने को तो है, लेकिन उन्होंने बोल दिया, एक्सप्रेसली बोल दिया कि भैया अगर अपीलेबल ऑर्डर भी क्यों ना हो, अगर अपीलेबल ऑर्डर ही क्यों ना हो तो भी वो डिग्री नहीं माना जाएगा। ओके चलो दूसरा आता है एड ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, अगर कोई पार्टी जो है डिफॉल्ट करती है, बेसिकली डिफॉल्ट जो है ना वो प्लेंटिफ, एप्लीकेंट, एपलेंट ये लोग करते हैं, डिफेंडेंट और एक्स पार्टे का होता है उनका, डिसमिसल का अपोजिट क्या होगा, एंटोनियम क्या होगा, एक्स पार्टे, ये बात आप याद रख लेना, डिफॉल्ट एंड एक्स पार्टे। अब अगर मान लो प्लेंटिफ करे, एप्लीकेंट करे, एपलेंट करे, कोई भी करे, तो वो ऑर्डर ऑफ डिसमिसल जो है डिग्री नहीं माना जाएगा। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अपना प्रिलिमिनरी डिग्री के ऊपर और फाइनल डिग्री के ऊपर। अगर अभी अभी प्रोसीडिंग्स कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है तो वो डिग्री प्रिलिमिनरी डिग्री होती है, लेकिन अगर जो हमारी एडजुडिकेशन है वो अगर कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ कर दे सूट को, तो वो डिग्री फाइनल मानी जाती है। डिग्री पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल भी हो सकती है। क्लियर है, तो चलिए बात करते हैं हम अपना काइंड्स ऑफ डिग्री के बारे में। देखो काइंड्स ऑफ डिग्री में सबसे पहले आ गया प्रेलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, पार्टली प्रेलिम, पार्टली फाइनल, और ये तो दोनों डीम डिग्री हैं ये। ठीक है हाँ, बात कर रहे हैं प्रेलिमिनरी डिग्री के बारे में। प्रेलिमिनरी डिग्री जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेशन के अंदर था कि फर्दर प्रोसीडिंग्स अभी लेना बाकी है, अभी कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, लेकिन जो भी डिस्पोज ऑफ हो गए ना, मान लो 1, 2, 3, ये तीन मैटर्स थे, अगर तीनों के तीनों मैटर्स सॉल्व हो जाते हैं तो कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ हो गया। अगर मान लो दो मैटर अभी सॉल्व हुए हैं, ये एनी मैटर्स हो गए ना, एनी ऑफ द मैटर्स, उस एनी ऑफ द मैटर्स के ऊपर जो है या तो यहाँ तो फाइनल डिग्री आ सकती है या प्रिलिमिनरी डिग्री आ सकती है, किसी पे भी आ सकती है, ऑल मैटर्स पे भी आ सकती है और एनी मैटर्स पे भी आ सकती है। ठीक है बस ये है कि मैं बताता हूँ, आपने ना आपने प्रिलिमिनरी डिग्री क्यों दी होती है, ताकि आप उसको और आगे जाकर इस पर एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के ऊपर आप उसको अफेक्ट देने के लिए फाइनल डिग्री पास कर दोगे। ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रिलिमिनरी डिग्री के, ऑर्डर नंबर 20 और ऑर्डर नंबर 34 यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। अब ये एक बात आपको बता दूं कि जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, कि इसके अलावा अगर मान लो कोर्ट को लगता है कि ऐसे केसेस के अंदर हम प्रिलिमिनरी डिग्री देनी चाहिए तो वहाँ वो दे देता है। अब जैसे ये वाला मीन प्रॉफिट का एग्जाम्पल ले लो, हमें नहीं पता कि एक ए और बी के बीच में कितना मीन प्रॉफिट आएगा, तो मीन प्रॉफिट के लिए हमने इंक्वायरी बिठा दी
कि इतना तो पता है कि मीन प्रॉफिट दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, तो दिया जाना चाहिए, ये पास होगी हमारी प्रेलिमिनरी डिग्री, ठीक है, प्रेलिमिनरी डिग्री पास हो गई। अब उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाने के बाद रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को अफेक्ट देने के लिए हमने पास कर दी फाइनल डिग्री, ठीक है। तो ये मत बोलते ना कि जैसे ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स होता है, जब ऑल और एनी ऑफ द मैटर में जब एनी मैटर सॉल्व हो गए तो प्रेलिम डिग्री, ऑल मैटर सॉल्व हो गए तो फाइनल डिग्री, ये नहीं है। हर डिग्री पे ही फाइनल और प्रेलिम बन जाएगा। एक दो तीन, ये तीन मैटर्स हैं, एक पोजेशन का मैटर है, एक मीन प्रॉफिट का मैटर है, एक रेंट का मैटर है। पोजेशन दी जाए, फाइनल डिग्री आ गई इसके ऊपर, चलो बात खत्म। और मीन प्रॉफिट दिए जाए, रेंट दिया जाए, कितना दिया जाए, इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी। इसके लिए इंक्वायरी बिठाई कि दिया तो जाएगा, वो प्रेलिम डिग्री हो गई। उसके बाद क्या है, इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट पे जो अफेक्ट देने के लिए हमने फाइनल डिग्री पास कर दी, ठीक है। चल देखो, अब एक और केस आया कि क्या एक से ज़्यादा प्रेलिम डिग्री पास कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रेलिम डिग्री पास कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के अंदर बोला, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, प्री में क्वेश्चन आया हुआ इसका, ठीक है, कि फूलचंद वर्सेस गोपाल दास में कहा कि देयर इज नथिंग इन द सिविल प्रोसीजर कोड विच प्रोहिबिट्स द पासिंग ऑफ मोर देन वन प्रेलिम डिग्री इफ सर्कमस्टांसिस जस्टिफाई द सेम दैट इट मे बी नेसेसरी टू डू सो, पर्टिकुलर पार्टीशन के केस में, वेयर इन पार्टीशन सूट्स में, वेयर वेन आफ्टर द प्रेलिम डिग्री सम पार्टीज डाई एंड द शेयर्स ऑफ अदर पार्टीज आर देयर बाई ऑगमेंटेड, इन सच एन इवेंट द कोर्ट कैन एंड शुड पास अ सेकेंड डिग्री करेक्टिंग द शेयर एंड इफ देर इज अ डिस्प्यूट इन दैट रिगार्ड इज लाइबल टू अपील द सुप्रीम कोर्ट हैज फर्दर स्पेसिफिकली स्टेटेड दैट वट वी आर सेइंग मस्ट बी कन्फाइंड टू पार्टीशन सूट्स फॉर वी आर नॉट कंसर्न इन द प्रेजेंट अपील विद अदर काइंड ऑफ सूट्स इन विच ऑल्सो प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिग्रीज आर पास। फालतू छोड़ो, पार्टीशन सूट्स का एग्जाम्पल बताता हूँ को मैं, ए बी सी इनका पार्टीशन का सूट था 33%, 33%, 33%, या चलो मान लो 60-40 और ऐसे उन्होंने बांट दिए, 60-40 या 60-20-20 ऐसे बांट दिए उन्होंने शेयर। अब क्या हो गया कि सी की डेथ हो गई, अब सी की डेथ हो गई तो शेयर तो बढ़ने चाहिए, तो ये 20-10-10 में बढ़ जाए या फिर 20 इसको मिल जाए, 60-40 हो जाए। तो यहाँ पर शेयर्स को अब फ्लक्चुएट हो गए, जब शेयर फ्लक्चुएट हो गए हैं तो प्रेलिम डिग्री फ्लक्चुएट होनी चाहिए, क्योंकि जब अगर फाइनल डिग्री फ्लक्चुएट नहीं हुई तो फाइनल डिग्री कैसे आएगी, तो बाकी शेयर का क्या होगा, जो सी का शेयर उसका क्या होगा। इसीलिए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोल दिया कि अगर ऐसा कोई मामला आता है तो वहाँ पर आप एक से ज़्यादा प्रेलिम डिग्री दे सकते हो, सेकेंड प्रेलिम डिग्री दे सकते हो, अगर नेचर एंड सर्कमस्टांसिस उसके चेंज हो जाते हैं तो, ठीक है। अब यही एक और केस है इसके ऊपर, देखो ये एक बात आती है, पहले मैं कोई इसके बारे में बात बताऊंगा। देखो, शीतल प्रसाद सक्सेना वर्सेस किशोरी लाल का केस, इन्होंने बोला कि प्रेलिमिनरी डिग्री की जो स्टेज होती है ना, वो एक स्टेज होती है जो कि फाइनल डिग्री से पहले आती है, ठीक है। अगर आपने अपील प्रेफर करनी है प्रेलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट, तो प्रेलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट जो अपील होगी उसका एक लिमिटेशन पीरियड होगा, उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल कर लो। अगर आप फाइल नहीं करते हो तो फिर लिमिटेशन पीरियड चला जाएगा, लिमिटेशन पीरियड चला जाएगा तो उसके बाद अब सेक्शन 97 कहता है कि आप प्रेक्लूड हो जाओगे, आप उसके बाद दोबारा से उस डिग्री की करेक्टनेस के डिस्प्यूट करने के लिए आप अपील नहीं कर सकते। अब सिर्फ करोगे तो फाइनल डिग्री के लिए करोगे, ठीक है, ओके। अगर मान लो आपने अपील कर भी दी, तो अगर अपील कर दी और प्रेलिम डिग्री आप जीत गए, आप वो चेंज होगी या वैरी होगी या कुछ तो होगा ही उसके अंदर, तो फिर जो कुछ भी चेंज आएगा तो नई प्रेलिमिनरी डिग्री आएगी। नई प्रेलिमिनरी डिग्री आने की वजह से जो फाइनल डिग्री आ रही थी ना पहले, वो तो फेल होगी, ऑटोमेटिकली फेल हो गई, ठीक है। तो नई प्रेलिमिनरी डिग्री के ऊपर फिर नई फाइनल डिग्री आती है, क्योंकि फाइनल डिग्री जो है वो हमारा प्रेलिमिनरी डिग्री के ऊपर ही डिपेंड होती है, और प्रेलिमिनरी डिग्री जो है हमारा वो बेस बनती है, ठीक है। चलो, प्रेलिमिनरी डिग्री का ये टॉपिक तो आपको समझ आ गया। अब आता है फाइनल डिग्री के बारे में। फाइनल डिग्री वो है जो एक चीज़ को कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ कर दे। अब मीन प्रॉफिट के ऊपर अपने इंक्वायरी बिठाई, उसका रिजल्ट आया, फाइनल डिग्री बोल देगी ठीक है ये रिजल्ट पे बेसिस पे इतना मीन प्रॉफिट दिया जाए, तो ये कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ कर रही है ना मैटर को, तो वो हो गया हमारा फाइनल डिग्री, ठीक है। इट फाइनली सेटल ऑल द क्वेश्चन इन कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज एंड नथिंग फर्दर रिमेन्स टू बी डिसाइडेड डेयर आफ्टर, ठीक है। अब जैसे मान लो ए ने सूट फाइल करा प्रीएम्प्शन का, अब प्रीएम्प्शन का सूट फाइल करा है, प्रीएम्प्शन अभी मैं बताने वाला हूँ। अब जब हम ऑर्डर नंबर 20 पढ़ेंगे ना, प्रीएम्प्शन होता क्या है आपको सिंपल बताता हूँ कि ये एक लैंड है ए और बी का। अब ए कहता है कि मैं घर बेच रहा हूँ, बी कहता है कि ठीक है मैं घर खरीद रहा हूँ मेरे को आप घर दे दो, ए कहता है कि नहीं तेरे को नहीं दूंगा किसी और को दे दूंगा, बी कहता है मेरे को दे दो भाई अपना आप पैसे मैं आपको पूरा देता रहा हूँ, तो कहता नहीं देता जो करना कर ले, तो बी जो है कोर्ट में फाइल करेगा प्रीएम्प्शन का सूट, ठीक है। अब ऐसे केस में मान लो ए ने कर दिया सूट फाइल बी के अगेंस्ट, अ डिग्री इज पास इन एज फेवर,
बट कंडीशन लगा दिया गया कि भैया जब तक तुम परचेस मनी 2 महीने के अंदर पे नहीं कर दोगे डिग्री के बाद, सूट जो है द सूट शैल स्टैंड डिसमिस्ड, ठीक है, एज फेवर बट विद द कंडीशन दैट अनलेस द परचेस मनी इज पेड विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ द डिग्री। आपको डिग्री के 2 महीने के बाद तक आपको पैसे देने हैं, तो डिक्लेयर तो हो ही गए, आप कोर्ट क्या करेगा इसके अंदर, सारे मामले तो हो ही गए ना, पार्टीज को कंडीशन लगा दी गई है तो वो दे पैसा, तो डिग्री तो फाइनल है ना। इन एज मच कोर्ट हैविंग पास सच अ डिग्री इट इज नो फर्दर जुडिशियल फंक्शन टू परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लीट डिस्पोज ऑफ द सूट। कोर्ट ने तो अपना सारा काम कर दिया ना, कोर्ट ने डिग्री सुना दी, अब पार्टीज के ऊपर है कि वो कब दे कब ना दे, ठीक है, ओके। अब शंकर वर्सेस चंद्रकांत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक डिग्री फाइनल कब होती है, या तो जब ट्रायल कोर्ट ने जो है डिग्री पास करी वो कंप्लीट डिस्पोज ऑफ कर दे सूट को, बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब अपील में जाओ तो अपील का लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाए तब फाइनल डिग्री हो जाएगी। तीसरी पॉइंट क्या, जब अपील में जा रहे हो और अपीलेट कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया, तो डिसीजन सुना दिया तो फिर वो वाला मैटर पे फाइनल डिग्री वहाँ आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये वाला चीज़ याद रखना, प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये प्रीलिमिनरी डिग्री असर्टेन करती है कि करना क्या है, फाइनल डिग्री उसके रिजल्ट पे अचीव जो हुआ है उसको तय करती है कि ठीक है भैया ये रिजल्ट आया है और मैं अब इसको अप्रूव कर रही हूँ, दैट्स इट, ठीक है। हर केस में फाइनल प्रीलिमिनरी डिग्री देना ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे हम श्योर नहीं होते, जहाँ पे हमें इंक्वायरी बिठाने की जरूरत होती है ना, जहाँ पे हमें चेक करना होता है कि हाँ कितना बनता है हमें नहीं पता, वी आर नॉट असर्टेन, वी आर नॉट श्योर कि कितना इसका अमाउंट है क्या चीज़ है, तो असर्टेन करने के लिए हम प्रीलिमिनरी डिग्री देते हैं, बाद में हम फाइनल डिग्री देते हैं। वरना ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम्पल मान लो ए ने बी से 50,000 रुपये लिए, ठीक है, बी कहता है कि जो है ए कहता है कि मुझे मेरे 50,000 चाहिए, या फिर सॉरी दोबारा बोलता हूँ, ए ने बी को 50,000 रुपये दिए, ठीक है, ठीक है, अब ए वापस मांगना चाहता है, तो ए ने सूट फाइल करा मनी डिग्री का, तो अब कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट ये थोड़ी चेक करेगा कि कितने लिए थे, पता है ना 50,000 लिए थे, तो फाइनल डिग्री दे देगा उसके ऊपर कि 50,000 लिए थे, ठीक है, ओके, क्लियर। अच्छा ये वाला पॉइंट बात करते हैं। अब क्वेश्चन आया कि क्या एक से ज़्यादा फाइनल डिग्री पास हो सकती है, हमने देखा प्रीलिमिनरी डिग्री तो पास हो सकती है एक से ज़्यादा, क्योंकि नेचर एंड सर्कमस्टांसेस डिपेंड करते हैं उसके, तो वो उसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि प्रीलिमिनरी डिग्री एक से ज़्यादा पास हो सकती है, लेकिन क्या फाइनल डिग्री पास हो सकती है। देखो एक होता है इंसिडेंट, एक इंसिडेंट के ऊपर आते हैं कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर आते हैं कई सारे क्लेम्स, अब कई सारे कॉज ऑफ एक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉजेस, अब अगर एक कॉज ऑफ एक्शन है तो एक सूट होगा, दूसरा कॉज ऑफ एक्शन है तो दूसरा सूट होगा, सूट हुआ तो एक डिग्री आई, ये सूट हुआ एक डिग्री आई, तो अब अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन पे अलग अलग डिग्री आ रही है, तो अगर हम इनका जॉइंडर कर दें, अगर इनका हम जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कर दें तो भी तो यही होना चाहिए ना। तो ऐसे केसेस के अंदर इफ देर इज आर टू और मोर कॉजेज ऑफ एक्शन दे आर जॉइंट टुगेदर देयर कैन बी मोर देन वन फाइनल डिग्री, ठीक है, ओके, चलो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो हैंस इट इज़ वेल सेटल्ड दैट देयर कैन बी मोर देन वन फाइनल डिग्री बी पास्ड इफ देयर टू और मोर कॉजेज ऑफ एक्शन आर जॉइंट टुगेदर, ओके। अब आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्रीलिमिनरी डिग्री एंड फाइनल डिग्री। देखो प्रीलिमिनरी डिग्री कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ सूट नहीं करती है, अभी फर्दर प्रोसीडिंग नेसेसरी होती है डिस्पोज ऑफ करने के लिए सूट को, फाइनल डिग्री सूट को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर देती है। प्रीलिमिनरी डिग्री के अंदर कुछ या फिर वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर्स आर डिस्पोज ऑफ, ओनली सम और वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर्स आर डिस्पोज ऑफ इन फाइनल डिग्री, राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर फाइनली एजुडिकेटेड, ऑल द राइट्स ऑल द लाइबिलिटीज आर फाइनली एजुडिकेटेड। प्रीलिमिनरी डिग्री बताती है कि करना क्या है, फाइनल डिग्री बताती है कि उसका जो रिजल्ट आया ना उसके ऊपर हम अपना अप्रूवल कर रहे हैं, दैट्स इट। ये एक इंडिपेंडेंट है, और फाइनल डिग्री जो है वो डिपेंडेंट होती है प्रीलिमिनरी डिग्री के ऊपर, ठीक है। अगर प्रीलिमिनरी डिग्री चेंज हो जाती है तो फाइनल डिग्री को भी चेंज होना ज़रूरी होता है, ओके। अब बात करते हैं पार्टली प्रीलिम पार्टली फाइनल। सिर्फ एक एग्जांपल याद करना आपने, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद मीन प्रॉफिट्स, यहाँ पर बात आ जाती है पार्टली प्रीलिम पार्टली फाइनल के ऊपर। देखो पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मुझे बताना एक सूट आया कि मुझे मेरी पोजेशन चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है, कोर्ट ने कहा दे दो भैया, इसके अंदर चेक करने की क्या जरूरत है, कुछ चेक नहीं करना, ठीक है, तो फाइनल डिग्री इसके ऊपर पास हो गई। अब मेन प्रॉफिट आया, मेन प्रॉफिट पर तो इंक्वायरी बिठाएगी, कितना मेन प्रॉफिट है, कितना देना है, कितना नहीं देना, तो उसके ऊपर प्रीलिमिनरी आ गई, फिर उसके बाद फाइनल आ गई, तो पार्टली प्रीलिम हो रहा है पार्टली फाइनल हो रहा है ये, ठीक है। अच्छा आधा फाइनल डिक्लेयर कर रहा है आधा प्रीलिम डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हमारा कंप्लीट हो गया, ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर सारे ग्राउंड्स हैं। अच्छा जितने भी ग्राउंड्स हैं ना वो एक तरह से ऑर्डर हैं, तो आपसे पूछेगा कि होता ऑर्डर फॉर आस्किंग द प्लेंटिफ टू सबमिट कोर्ट फी इज डिक्री और नॉट,
हाँ डिग्री है क्योंकि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। सेक्शन 144 मैंने आपको समझा दिया। ओके चलो, ये तो हमारा टॉपिक जो है कवर हो गया है डिग्री के बारे में। अब बात करते हैं हम अपना डिग्री के जो कंटेंट्स होते हैं ये ऑर्डर नंबर 20 और रूल नंबर 6 के अंदर बता रखा है। देखो डिग्री के अंदर जो होते हैं, सबसे पहले तो आता है हमारा सूट नंबर आता है, पार्टीज़ का डिस्क्रिप्शन, पार्टीज़ का नाम, रजिस्टर एड्रेस उनका, और उनके क्लेम्स, क्या क्लेम्स थे, फिर क्या रिलीफ ग्रांट करी गई, ठीक है। उसके बाद कितनी कॉस्ट कौन देगा, कितनी कॉस्ट कौन देगा, किस प्रॉपर्टी से कितने अमाउंट में दी जाएगी, लमसम में दी जाएगी, इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, ठीक है। तो वो सारी बात है। उसके बाद आता है कि कोर्ट ये भी डायरेक्ट कर सकता है कि मान लो अगर ए ने बी को कॉस्ट देनी है, ए ने बी को कॉस्ट देनी है, और क्या कहते हैं बी एडमिट करता है कि हाँ मैंने तुमको कुछ पैसा देना था या मेरा पैसा कुछ ड्यू था, तो इन दोनों को सेट ऑफ कर लो अमाउंट, तो ये सेट ऑफ भी करवा सकती है, ठीक है कॉस्ट को। अब डिग्री प्रिपेयर कब होती है, देखो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रिपेयर होनी चाहिए, कोशिश तो यही की जाती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ना 15 दिन के अंदर अंदर, जजमेंट प्रोनाउंस होने के 15 दिन के अंदर अंदर डिग्री प्रिपेयर की जाती है, ठीक है, और इससे ज़्यादा टाइम नहीं यूज़ होता। अच्छा अब एक क्या हुआ, अब मेरी बात सुनो, देखो मान लो आज 1 जनवरी है, ठीक है, 15 जनवरी तक डिग्री आ जाएगी, ठीक है, लेकिन जो अपील का लिमिटेशन पीरियड है ना वो इसी दिन से काउंट होता है, ठीक है। 30 दिन का मान लो अपील का लिमिटेशन पीरियड है, ठीक है, 15 दिन तो यहाँ वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि डिग्री ही अपील होती है, जजमेंट की अपील तो होती नहीं है, डिग्री की अपील होती है ना। तो इसीलिए लॉ मेकर्स ने कहा कि भैया एक काम करो आप ना इस दिन पे ही आप अपील फाइल करो और जजमेंट की कॉपी लगा दो, जजमेंट की कॉपी लगा दो, जैसी डिग्री की कॉपी आएगी इसको विड्रॉ कर लेना, इसको सबमिट कर देना, ठीक है। तो ये उन्होंने बोल दिया, एंड अपील में भी प्रेफर्ड अगेंस्ट द डिग्री विदाउट फाइलिंग द कॉपी ऑफ डिग्री, एंड इन सच केस द कॉपी ऑफ जजमेंट बी ट्रीटेड एज अ डिग्री, बट एज सून एज अ डिग्री इज ड्रॉन द जजमेंट शैल सीज टू हैव द अफेक्ट ऑफ द डिग्री, देन व्हाट द पार्टी डज इज दे विड्रॉ द कॉपी ऑफ जजमेंट एंड सबमिट्स द कॉपी ऑफ अ डिग्री, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड अदर प्रोसेसेस। ओके अच्छा, जजमेंट की कॉपी कब मिल जाएगी भैया, उसी दिन जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस होती है, बस आपको पैसे देने पड़ेंगे जो भी आपका वहाँ पे जो पेमेंट होनी है। अच्छा और कौन सी कॉपी मिलेगी, सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। ओके ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। वे द जजमेंट इज प्रोनाउंस द कॉपीज ऑफ द जजमेंट शैल बी मेड अवेलेबल टू द पार्टीज इमीडिएटली आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट एंड फॉर प्रेफरिंग एन अपील ऑन पेमेंट ऑफ सच चार्जेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल मेड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट रूल्स बनाता है कि कितने चार्जेस देने हैं, कितना पेमेंट करनी है। अच्छा अब ये बात आती है कि जैसे आज मान लो 1 जनवरी है, 15 जनवरी को हमारी जो है डिग्री आई, तो जाहिर सी बात है तो 15 जनवरी की डेट होनी चाहिए थी, नहीं बिल्कुल नहीं, द डिग्री शैल बियर द डे ऑन विच द जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड, तो डिग्री पे 1 जनवरी का ही डेट आएगा, ठीक है, 1 जनवरी का ही डेट आएगा, याद रखना वाली बात को। एंड व्हेन द जज हैज सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, कि जज पहले तो सेटिस्फाई करेगा कि भैया जो डिग्री है वो एग्री करती है कि नहीं जजमेंट को, ठीक है, ये कंटेंट्स ऑफ डिग्री में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो जो डिग्री है वो एग्री करनी चाहिए जजमेंट से, अगर वो जजमेंट से एग्री नहीं करती है तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि डिग्री तो जजमेंट के बेसिस पर ही तो बनी है, ठीक है, तो डिग्री शैल एग्री विद द जजमेंट। ओके तो पहले जज चेक करेगा कि हाँ वाकई एग्री कर रही है, ठीक है, उसके बाद जाकर वो साइन करेगा डॉक्यूमेंट पे, डिग्री पे, ठीक है। अच्छा अगर मान लो साइन करने से पहले ही वो उसका ट्रांसफ़र हो गया, तो क्या नया आके जो जज है वो साइन कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है, वो प्रोसेस कंटिन्यू कर सकता है। और अगर मान लो वो कोर्ट ही बंद हो गई, वो कोर्ट ही ख़त्म हो गई है, तो एक काम कर लेंगे ना, उसके हाई कोर्ट जो ऊपर जो सुपीरियर कोर्ट है ना उसका जज साइन कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बोल रखा है, वेयर जज हैज वैकेटेड ऑफिस आफ्टर प्रोनाउंसिंग जजमेंट बट विदाउट साइनिंग द डिग्री, देन सच डिग्री मे बी साइंड बाय हिज सक्सेसर, और इफ द कोर्ट हैज सीज टू एग्जिस्ट देन बाय द जज ऑफ एनी कोर्ट टू विच सच कोर्ट वॉज सबऑर्डिनेट, ठीक है। हाँ अब देखो क्वेश्चन आया है, डिग्री फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी का है और आपको उसकी रिकवरी करवानी, तो डिग्री के अंदर इतना तो पता हो कि भैया कौन सी प्रॉपर्टी रिकवरी करवानी है, इतना तो सफिशिएंट हो उसको आइडेंटिफाई करना। तो पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन बतानी पड़ेगी कि ये प्रॉपर्टी है जो रिकवर करवानी है, इतनी कि इससे आइडेंटिफाई करा जा सके। और साथ साथ अगर मान लो वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि जैसे खेत है किसी के, खसरा नंबर देखना पड़ेगा आपको, बाउंड्रीज देखनी पड़ेगी आपको, तो ये बाउंड्रीज नंबर्स तो कहीं ना कहीं कोई रिकॉर्ड में होंगे ना, कोई सेटलमेंट के रिकॉर्ड में होंगे, कोई सर्वे के रिकॉर्ड में होंगे, तो जो रिकॉर्ड में जो नंबर्स या बाउंड्रीज मेंशन है ना वो आपको डिग्री में डालनी होगी, ठीक है। द डिग्री शैल स्पेसिफाई सच बाउंड्रीज और नंबर्स। ओके अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी करवानी है तो ये तो सीधा लिखा होगा कि ए को बी को गाड़ी देनी है,
घोड़ा देना है, स्कूटर देना है, ठीक है, तो डिलीवरी करो मूवेबल प्रॉपर्टी की, और अगर डिलीवरी नहीं कर सकते तो उसके अल्टरनेटिव में इतना अमाउंट पे करो, ठीक है, तो उसके अल्टरनेटिव में इतना अमाउंट पे कर दो अगर डिलीवरी आप नहीं कर सकते तो। ये बातें दोनों लिखी होती है। ओके, अब आता है कि अब डिग्री में, डिग्री कौन सी थी, मनी डिग्री की थी, ए डिग्री होल्डर था, बी जजमेंट डेटर था, ठीक है। अब जजमेंट डेटर को पैसे देने थे ए को, ठीक है, जजमेंट डेटर को लगा केस हार रहा है वो, तो उसके पास पैसे तो है नहीं, तो क्या हुआ कि देखो, द कोर्ट मे फॉर एनी सफिशिएंट रीजंस इनकॉर्पोरेट इन द डिग्री, ठीक है, आफ्टर हियरिंग सच ऑफ द पार्टीज हु हैड अपीयर्ड पर्सनली और बाय प्लीडर। क्या होगा कि बिफोर जजमेंट से पहले, जजमेंट से पहले लास्ट हियरिंग पे पार्टीज या प्लीडर्स जो हैं वो आएंगे कोर्ट के आगे, बोलेंगे कि सर हमारे पास ना पैसे नहीं है देने के लिए, अभी तो हम दे नहीं सकते। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, वो आए हैं कोर्ट के पास आए हैं और कोर्ट वालों को बोला कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप डिग्री को पोस्टपोन कर दो, ठीक है, दूसरा क्या है कि आप हमें मोहलत दे दो, इंस्टॉलमेंट्स में हम पैसा दे देंगे, इंस्टॉलमेंट्स पैसा दे देंगे, आप इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट देंगे या विदाउट इंटरेस्ट देंगे वो देखा जाएगा। ओके, तो अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट में जो मर्जी लिखा हो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में इतने दिनों में पैसे देने थे, दो महीने में देने थे, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, जो मर्जी लिखा हो कोर्ट ऐसा ग्रांट कर सकता है, ताकि भाई जजमेंट डेटर का इंटरेस्ट भी तो देखा जाए, वो पैसा कहाँ से लाएगा, दे तो रहा ही है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या था, ऑर्डर आफ्टर डिग्री फॉर पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर द पासिंग ऑफ एनी सच डिग्री द कोर्ट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट डेटर। अगर मान लो डिग्री के बाद आया है, डिग्री आ गई, ठीक है, डिग्री आ गई, अब वो बोल रहे हैं कि सर अब इंस्टॉलमेंट्स में दिलवा दो सर, ठीक है, तो वो जजमेंट डेटर क्या करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा सबसे पहले कोर्ट के अंदर, उसके बाद डिग्री होल्डर का कंसेंट लेगा, क्योंकि डिग्री होल्डर तो बहुत थक चुका है ना पैसे बोल बोल के, तो उसका कंसेंट लेना ज़रूरी है। उसके बाद बोलेंगे कोर्ट कि ठीक है आप बताओ क्या करवाना है डिग्री होल्डर, तो डिग्री होल्डर बोलेगा कि ठीक है आप 3 महीने का टाइम दे दो, क्या चलो इंस्टॉलमेंट में पैसा दे दो। अब जो भी होगा, इंस्टॉलमेंट में हो या पोस्टपोन्ड हो, या इंटरेस्ट तो लगेगा ना, मेरा इंटरेस्ट थोड़ी ख़राब होना चाहिए, तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा आपको। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे ताकि कहीं भाग ना जाए, या फिर सिक्योरिटी ले लेंगे उससे, है ना, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ हमारा टॉपिक जो है मेनली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ पर आ जाती है प्रिलिमिनरी डिग्री के ऊपर बातें। देखो, अगर सूट रिकवरी का है, पोजेशन का, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का सूट है, हमने देखा था सेक्शन नंबर 16 के अंदर, सेक्शन नंबर 16 के अंदर ना कई सारे क्लेम्स हैं जो कि आप इनके साथ अटैच कर सकते हो, उनमें कुछ क्लेम्स हमारे रेंट और मीन प्रॉफिट आते हैं, ठीक है। अब रेंट हमें नहीं पता, मीन प्रॉफिट हमें नहीं पता, तो हम नहीं पता तो इंक्वायरी बिठाएंगे, जब इंक्वायरी बिठाएंगे तो उसके ऊपर क्या आएगा, प्रिलिमिनरी डिग्री आएगी पहले, फिर फाइनल डिग्री आ जाएगी, और पोजेशन वाले केस में फाइनल डिग्री आ जाएगी, यही बोल रखा है उन्होंने, कोर्ट में पास है डिग्री फॉर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये फाइनल हो गई। रेंट अगर हमें पता है कि सूट से पहले कितने लिए थे तो फाइनल डिग्री दे देंगे, नहीं पता तो इंक्वायरी बिठा देंगे। ऐसी मीन प्रॉफिट हमें पता है तो ठीक है, नहीं पता तो इंक्वायरी बिठा देंगे। ओके, अब इंक्वायरी बिठाई, रेंट पता लगा कितना था, तो ये तो हो गया हमारा बिफोर द सूट। अब आफ्टर द सूट, जब सूट इंस्टीट्यूट हो गया, तो यहाँ से लेकर कहाँ तक का रेंट हमें कैलकुलेट करना है, ये बता रखा हमें क्लॉज सी के अंदर। देखो, क्लॉज सी के अंदर जब तक डिग्री होल्डर जो है, डिग्री होल्डर को प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती जजमेंट डेटर से, तब तक का रेंट हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, जब जजमेंट डेटर जो है पोजेशन छोड़ नहीं देता, पोजेशन छोड़ देने का जो है वो नोटिस देगा डिग्री होल्डर को कि भैया मैंने घर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और ये कोर्ट के जरिए देगा, ऐसा ना हो कि डिग्री होल्डर बोल दे कि नहीं मेरे को तो कोई नोटिस मिला ही नहीं है, तो कोर्ट के जरिए नोटिस भिजवा देगा कि मैं ना अब घर छोड़ रहा हूँ, यहाँ तक का जो पैसा है, किराया है या रेंट है, मीन प्रॉफिट है, जो भी है वो कैलकुलेट कर लो। अच्छा, ना तो ये हुआ ना तो ये हुआ, तो क्या होगा, जिस दिन हमारा जो है डिग्री आई, जिस दिन डिग्री आई, डिग्री आज आ गई कि आपको पैसा देना है, फाइनल डिग्री आ गई, फाइनल डिग्री से 3 साल तक का जो है मीन प्रॉफिट, रेंट वगैरह आप दोगे एक्स्ट्रा, इन तीनों में से जो भी इवेंट पहले हो जाए, उतने तक का रेंट, उतने तक का मीन प्रॉफिट आपको मिलेगा। ओके, अब जो हमने इंक्वायरी बिठाई थी, उस इंक्वायरी के ऊपर फाइनल डिग्री आ जाएगी, सिंपल है, ख़त्म हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है। तो ये था हमारा अपना रूल 12। ओके, अब रूल 12 ए बात करते हैं कि अगर मान लो ए और बी हैं, ए ने क्या करा, ए सेलर था, बी परचेजर था, ए ने प्रॉपर्टी सेल करनी थी, बी ने कहा कि ठीक है, अब ए ने मना कर दी सेल करने से, तो बी गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि सर इसको बोलो कि ये प्रॉपर्टी जो है अपनी सेल करे, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई मामला आया है जहाँ पर डिग्री है कि ए को बोला गया है, बी को बोला गया है कि तुमको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है या तुमको अपनी प्रॉपर्टी लीज पर देनी है, तो ऐसे केस के अंदर हम डिग्री होल्डर, डिग्री में ये मेंशन कर देते हैं कि परचेजर अपना परचेज मनी पे करो, और इतने टाइम पीरियड तक आप अपना परचेज मनी पे करो, जब तो पहले पे करोगे तभी तो हम प्रॉपर्टी दिलवाएंगे,
तो आप अपना काम करो, आप आर यू रेडी और विलिंग टू पे द परचेज मनी, तो यस, आर इफ यस देन पे इट विद इन सर्टेन टाइम पीरियड, तो वो हम बोल देते हैं बस, ठीक है। ओके अच्छा बात करते हैं डिक्री इन एडमिनिस्ट्रेशन सूट के बारे में। देखो इस केस में क्या होता है कि मान लो ये प्रॉपर्टी है मेरी और मैं मर जाता हूँ, मैंने विल नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, एग्जीक्यूटर नहीं बना मेरा, तो कोर्ट ना इस प्रॉपर्टी को, और प्रॉपर्टी पे ना कर्जा बहुत है, क्रेडिटर्स वगैरह बहुत आ रखे हैं, पैसा देना सभी को, तो उस केस में क्या होता है कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देता है उस प्रॉपर्टी का। कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया। देखो अब क्या होगा कि कोर्ट पहले तो फाइनल डिग्री पास करने से पहले ना ये देखेगा, इंक्वायरी बिठाएगा कि कितना पैसा किसको देना है, इस प्रॉपर्टी से कितना पैसा कौन कौन से क्रेडिटर्स को जाएगा, है ना। तो प्रीलिम डिग्री पास कर दे, ऑर्डरिंग करेंगे, अकाउंट्स की जांच करी जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए कि कितना पैसा कितना देना है, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी है, ये सारी बातों के लिए प्रीलिम डिग्री आ जाए। ओके तो अब क्या होगा कि अगर मान लो प्रॉपर्टी पता लगा कि पैसा जो है ना प्रॉपर्टी में से वो इनसफिशियंट आ रहा है, यार ये तो बहुत कम पड़ रहा है, अभी तो क्रेडिटर्स जा ही नहीं पा रहे, तो ऐसे केस के अंदर किसको, जैसे मान लो अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं तो पहले उनको दे देंगे, अनसिक्योर्ड है तो बाद में उनको देंगे, फ्यूचर लाइबिलिटीज़ हैं, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ हैं, एनिटीज़ की वैल्यू निकालनी है, कुछ भी ऐसा कुछ करना है ना, तो जो भी जो करना होगा वो डेट्स को पूरा करने के लिए, लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, तो जो रूल्स हमारे इंसॉल्वेंसी लॉज में अप्लाई होते हैं जब बंदा कोई डिक्लेयर कर दिया जाता है या जज कर दिया जाता है इंसॉल्वेंट, तो उस केस में जो रूल्स अप्लाई होते हैं वही सेम रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और जितने भी पर्सन एंटाइटल्ड हैं प्रॉपर्टी के अंदर वो सारे, उनको पैसा मिलेगा पहले, किसको कितना मिलेगा उसमें ही प्रीलिम डिग्री आ जाएगी, और प्रीलिम डिग्री आने के बाद जितना भी जिनका क्लेम बनता है उसको हम दे देंगे, ठीक है। तो ये इंक्वायरी बिठाई गई थी ना किसको कितना देना है, हमारी प्रॉपर्टी में कितना वैल्यूएशन है, कितना पैसा हम दे सकते हैं, तो सारी इंक्वायरी बिठाने के लिए प्रीलिम डिग्री पास की जाएगी। ओके अब प्रीएम्प्शन सूट आ जाता है। प्रीएम्प्शन सूट मैंने आपको बोला कि पड़ोसी जो है वो प्रॉपर्टी है इनकी ए और बी की, ए सेल कर रहा है, बी कहता है कि मेरे को दो, ए कहता है नहीं दूंगा, तो बी प्रीएम्प्शन सूट फाइल कर देता है। तो वेयर अ कोर्ट डिक्रीज अ क्लेम टू प्रीएम्प्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर मान लो डिग्री आ गई कि नहीं ए को तो देना ही पड़ेगा ये वाला, और इस केस के अंदर क्या होता है कि बी को पहले परचेज मनी तो दे, बी खरीदना चाहता है पैसे तो दे, तो इस केस में क्या होगा कि डिग्री पहले स्पेसिफाई करेगी कि इस दिन या इस दिन से पहले पहले आपको परचेज मनी पे करना है, फिर उसके बाद जो है डायरेक्ट करेगी कि जब आप अपना परचेज मनी पे कर दोगे साथ में अपनी कॉस्ट पे कर दोगे तो फिर क्या होगा कि डिफेंडेंट जो है प्रॉपर्टी आपको डिलीवर कर देगा, ठीक है, और उसी दिन से आपका टाइटल जो है उस प्रॉपर्टी के अंदर मान लिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपने परचेज मनी या कॉस्ट पे नहीं करा तो सूट फिर डिसमिस हो जाएगा और आपको उल्टा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। चलो अब यहाँ पर आ गया, अब अगर मान लो ये प्रॉपर्टी है, बी प्रॉपर्टी है, इसमें ए और सी दोनों जो है इक्वल प्रॉपर्टी चाहते हैं, ये प्रॉपर्टी यहाँ चाहता है, ये भी प्रॉपर्टी चाहता है, ये भी प्रॉपर्टी चाहता है, दोनों सेम प्राइस देने को तैयार हैं, तो ऐसे केस के अंदर हम दोनों के राइट्स को हर्ट तो कर नहीं सकते, तो हमने बोल दिया कि भैया आप ना ए और बी और सी जो भी है क्या कहते हैं आप पेमेंट अपनी कर दो, दोनों के दोनों पेमेंट कर दो इस दिन पे, और हम आपको प्रोपोर्शनल बेसिस पे इक्वल 50-50 करके दे देंगे, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट तो हो गया क्लियर। अच्छा और अगर आपने मान लो वैसे एग्जांपल हमने बोला ए और सी आपको 50-50 पैसा देना फटाफट और आप दे दो, और जिसने भी अगर मान लो उस दिन नहीं दिया जिस दिन डिक्लेयर करा गया था देने के लिए, तो उसका राइट कैंसिल हो जाएगा, बाकी वाले को पूरा मिल जाएगा। अभी अगर पूरा ले लेना चाहता तो बात अलग है, लेकिन इसको मिल पूरा जाएगा, ये एंटाइटल्ड हो जाएगा। ओके अब ऐसे केस में दूसरा देखते हैं, अगर मान लो ये ए है, ये सी है और ये बी की प्रॉपर्टी है, अगर ए का इंटरेस्ट ज़्यादा है और सी का इंटरेस्ट बहुत कम है, ठीक है, ए का इंटरेस्ट ज़्यादा है सी का इंटरेस्ट कम है, तो सुपीरियर इंटरेस्ट को पहले प्रॉपर्टी मिलेगी, इन्फीरियर को बाद में मिलेगी, लेकिन अगर मान लो सुपीरियर वाला उस टाइम पे पैसा ना दे पाए जिस दिन बोला गया था, तो उसको नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी, इन्फीरियर वाले को मिल जाएगी, ठीक है। ओके अब ये वाला पॉइंट आ गया। अब दूसरा बात आता है रूल 15 में, पार्टनरशिप का डिसॉल्यूट करवाना हमने, तो पार्टनरशिप को डिसॉल्यूट करना है, बोला गया कि भैया पार्टनरशिप मैं बंद कर रहा हूँ, मुझे बता दो मेरा कितना पैसा बनता है, मुझे दे दो, तो अकाउंट्स की जांच की जाएगी, इंक्वायरी बिठाई जाएगी, जब इंक्वायरी बिठाई जाएगी तो फिर क्या कहते हैं प्रीलिम डिग्री आएगी, इंक्वायरी बिठाई जाएगी अकाउंट्स के ऊपर कितना प्रोपोर्शनल शेयर बनता है इन सब चीज़ों के ऊपर, डे फिक्स करा जाएगा, डे फिक्स करने के बाद क्या होगा पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो जाएगी, इंक्वायरी बिठाने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हम फाइनल डिग्री दे देंगे, ठीक है। ओके अब आता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में मामला है, एक अकाउंट्स का मामला है,
तो जहाँ अकाउंट्स का मामला वहाँ इंक्वायरी बिठाएंगे, देखेंगे कितना अकाउंट का कितना अमाउंट ऑफ मनी देना है मास्टर को, सर्वेंट को अपने, प्रिंसिपल को अपने, एजेंट पे। तो अकाउंट बैठाने के, अकाउंट की जानकारी के बाद जो भी रिजल्ट आएगा हमारा, उस पर हम फाइनल डिग्री दे देंगे। क्लियर हो गया? देखो अब आता है हमारे पास कि हमें प्रॉपर्टी का पार्टीशन करवाना है या सेपरेट पोजीशन लेनी है। देखो पार्टीशन करवाना है, सेपरेट पोजीशन लेनी है, तो वो तो आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो वो आपका इधर है, अगर ये आपका पर्सनल लॉ है, हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी थी, ठीक है, HUF था, ठीक है, तो उसका अकॉर्डिंग जो अपना पार्टीशन होना वो होना ही होना है। अब ये तो हो गया कि पार्टीशन होना है, इसको इतने शेयर बनेंगे, तो उसके लिए इंक्वायरी बिठाई जाएगी, ठीक है। इंक्वायरी शेयर बन गए, तो शेयर मिलने के बाद फिर फाइनल डिग्री आ जाएगी। फाइनल डिग्री कैसे आएगी? मीट्स एंड बाउंड से दिखा रहा हूँ। देखो अगर एस्टेट ऐसी है कि मतलब लैंड बैंक रेवेन्यू है, जो सरकार को रेवेन्यू जाएगा, तो जो भी राइट्स जो डिक्लेयर करी जाएंगी पार्टीज के बीच में, वो डिग्री डिक्लेयर तो कर देगी, लेकिन जो पार्टीशन होगा या सेपरेट पोजीशन जो होगा वो कलेक्टर करेगा या फिर कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर करेगा कलेक्टर के। ये सेम बात जो है सेक्शन 54 में देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर डिग्री जो है कोई और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो कोर्ट जो है पहले पार्टीशन कर देगा या सेपरेशन कर देगा। लेकिन अगर मान लो पार्टीशन या सेपरेशन कन्वीनियंटली नहीं हो सकता जब तक इंक्वायरी ना बिठाई जाए, तो इंक्वायरी बिठाने के लिए प्रेलिमिनरी डिग्री पास करी गई, राइट्स डिक्लेयर करने के लिए कि भैया ठीक है तुमको राइट्स मिलेंगे, तुमको तुम्हारे शेयर मिलेंगे, हम एक बार देख रहे हैं किसका कितना शेयर बनता है। तो कितना शेयर बनता है, तो उसके बाद जब जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बेसिस पे हमारी फाइनल डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब ये आता है कि भैया रूल 19, डिफेंडेंट को अगर मान लो अलाउ करा गया सेट ऑफ करने के लिए, सेट ऑफ मतलब ए ने अगर कुछ पैसा देना था, बी ने भी कुछ पैसा देना था, दोनों के दोनों सेट ऑफ हो गए, ठीक है। अब काउंटर क्लेम क्या होता है कि ए ने इसके खिलाफ क्लेम फाइल करा, बी ने इसके खिलाफ क्लेम फाइल करा, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ क्लेम फाइल कर दिया, वो काउंटर क्लेम हो जाता है, ठीक है। काउंटर क्लेम और सेट ऑफ दोनों ही डिफेंडेंट करता है प्लेंटिव के अगेंस्ट, ओके। तो अब क्या होगा, डिग्री जो है डिग्री आ गई, बता देंगे डिग्री के अंदर तो प्लेंटिव को कितना पैसा देना है, डिफेंडर को कितना पैसा देना है, प्लेंटिव को कितना पैसा देना है और डिफेंडर को कितना पैसा देना है, दोनों को कट कट आकर जिसको जितना पैसा देना होगा उस हिसाब से हम देख लेंगे फिर, ठीक है। तो ये हो गया, अब काउंटर क्लेम आ गया, प्लेंटिव वो क्या कहते हैं सेट ऑफ हो गया, पता चल गया डिग्री में कि किसको कितना पैसा देना है, तो उसकी आप अपील कर लोगे। तो जो अपील कर लोगे जैसे नॉर्मल डिग्री की अपील करते थे, वैसे सेट ऑफ की या काउंटर क्लेम की अपील फाइल करोगे आप, ठीक है, ओके। और ऑर्डर 8 रूल 6 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। रूल 6 में रूल 6 ए 6 बी 6 डी 6 ये सारे काउंटर क्लेम के हैं और 6 वाला जो हमारा सेट ऑफ का है। अब आता है जजमेंट और डिग्री की जो कॉपी होती है वो सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल जाएगी जब आप एक्सपेंसेस जो है वो आपने पे कर दोगे, यानी कि जो सर्टिफाइड कॉपी का जो भी पैसा लगता है चार्ज लगता है वो पे कर दो, आपको जो है डिग्री और जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। तो हमारा टॉपिक जो है डिग्री का सारा ख़त्म हो चुका है फाइनली जाके। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछ लेना। इसमें जितना ही बताया ना आपको ऊपर कोई केस लॉ वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ थियोट्रिकल पार्ट है। मुश्किल से एक आध क्वेश्चन बन सकता है आपको प्रीलिम डिग्री के ऊपर, बताओ मीन प्रॉफिट की डिग्री कैसे आती है और प्रिजम्पशन में डिग्री कैसे आती है, सिंपल बेयर एक्ट लिखना है और कुछ नहीं लिखना आपने। तो चिल करो, ओके। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।